चैप्टर चल रहा है क्लास टेंथ का लाइव प्रोसेस, जिसमें अब हम स्टडी करने वाले हैं। लाइव प्रोसेस चैप्टर हमने ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसमें स्टडी कर रहे हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी भी बच्चों इसमें हमारा 6.1, 6.2, 3 एंड 4 हो चुका है। आज हम स्टडी करने वाले हैं 6.5 एक्टिविटी। मैंने आपको बच्चों बताया था, हर वीडियो में बताया था मैंने, हर एक्टिविटीज़ में, कि जो भी एक्टिविटी होती है उन किसी भी एक्टिविटी को लिखने के लिए हमारे पास 5 हेडिंग होते हैं। इन 5 हेडिंग को ही आपको अच्छी तरीके से अपने शब्दों में लिख करके इसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। और आपको सिर्फ क्या करना है, एक्टिविटी क्या कहती है वो सिर्फ हमको समझने पर फोकस करना है। उसके अलावा हेडिंग आप याद कर लीजिए कि ये हेडिंग हमको यूज़ करना है। उसके बाद बाकी जो भी मटेरियल है आप अपने इसको मन से लिख सकते हैं। पहला हमारा हेडिंग होता है एम। एम मतलब हमारा टारगेट। टारगेट का मतलब कि हमको करना क्या है, ठीक है, क्या चीज़ हमको प्रूफ करना है, हमारा क्या टारगेट है, किस चीज़ को प्रूफ करने का टारगेट है, वो हो जाएगा हमारा एम, ठीक है, इसमें हम एम लिखेंगे। नेक्स्ट है मटेरियल रिक्वायरमेंट। पूरा ये प्रैक्टिकल करेंगे जो हम जो भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जो चीज हमको, जो हमारा एम है, जिसको प्रूफ करना है, उन प्रूफ, उस चीज को प्रूफ करने के लिए हमको क्या एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो हो जाएगा हमारा मटेरियल रिक्वायरमेंट सेकंड हेडिंग। थर्ड हो जाएगा हमारा प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब आपने क्या क्या स्टेप्स किया। मटेरियल आपको मिल गया, उसके बाद आपने मटेरियल को सेटअप किया, सेटअप करने के बाद आपने क्या क्या काम किया है ना, उसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा हमारा प्रोसीजर। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। जो आपने प्रोसीजर किया, जो प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल करने के बाद आपने उसमें क्या देखा कि क्या चीज़ आपको यहाँ पर मिल रहा है, वो हो जाएगा आपका ऑब्जर्वेशन, यानी कि रिजल्ट है ना, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या रिजल्ट आपको रहा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ऑब्जर्वेशन। और फाइनल हमारा है एक्सप्लेनेशन। जो भी रिजल्ट रहा वो रिजल्ट क्यों है, ठीक है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके से बच्चों 5 ये हेडिंग हमको इस्तेमाल करने होते हैं हर एक्टिविटी में। हमारा जो 6.5 एक्टिविटी है इसमें का एम, एम यानी कि टारगेट क्या है, टू इंडिकेट दैट यीस्ट फर्मेंट द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोड्यूस CO2। कह रहा है कि जो यीस्ट के जो सेल्स होते हैं वो आपको ये बात प्रूफ करके, वैसे ये एक चीज होता है ना, हमने पढ़ रखा है कि एनाइरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि यीस्ट सेल्स कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन के एब्सेंस में, बिना ऑक्सीजन के कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देते हैं, जिससे कि CO2 प्रोड्यूस होता है। ये बात हमको पता है, लेकिन हमको पता होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपने कह दिया और हमने मान लिया, ऐसी बात नहीं होगी। इसको यहां पर आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि क्या वाकई ऐसा होता है कि यदि यीस्ट सेल को कार्बोहाइड्रेट हमने दे दिया और ऑक्सीजन नहीं दिया, तो इस कार्बोहाइड्रेट को वो तोड़ देते हैं और CO2 प्रोड्यूस होता है, बिना ऑक्सीजन के तोड़ देते हैं और CO2 प्रोड्यूस होता है, क्या वाकई ये काम होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है, एनाइरोबिक रेस्पिरेशन भी कहिए इसको, या इसको हम बोलेंगे कि फर्मेंटेशन। तो यीस्ट सेल जो होते हैं वो क्या फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को वो तोड़ते हैं और ऑक्सीजन CO2 जो है वो लिबरेट होता है, क्या ये चीज होता है, ठीक है, होता है, जानते हैं, लेकिन आप प्रूफ के बताइए, अगर जानते भी हैं तो भी इस चीज को हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए आप हमारा मटेरियल रिक्वायरमेंट, आपने यहां पर जिन जिन सामान का इस्तेमाल किया उन सारे सामान का नाम आप लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका मटेरियल। अब हम आते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर में हमको करना क्या है, सबसे पहले हमने बेस पर एक, हमने टेस्ट ट्यूब को, एक बड़े टेस्ट ट्यूब को एक होल्डर की सहायता से हमने उसको फिट कर दिया, ठीक है। यहां से ये लिया हमने, यहां पे स्टैंड हो गया हमारा, ये स्टैंड में यहां से, यहां से, यहां से बिल्कुल उसके अंदर हमने टेस्ट ट्यूब को सेट करके और इसको बिल्कुल टाइट कर दिया है, ये इसमें फिक्स हो गया, ठीक है। अब ये आपका टेस्ट ट्यूब कहीं जाने वाला नहीं है, हिलेगा नहीं, गिरेगा नहीं, ठीक है। ये यहां तक आपने स्टैंड बनाया, स्टैंड में बड़ा टेस्ट ट्यूब आपने सेट कर लिया। अब जो ये हमारा बड़ा टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब का जो ऊपर वाला पोर्शन है ये कॉर्क से, मतलब जो एक समझ लीजिए एक टाइट, बिल्कुल टाइट ढक्कन है, ठीक है ना, लीड है उसका, तो कॉर्क से हमने क्या किया, इसको कंप्लीटली हमने बिल्कुल सील कर दिया है, बंद कर दिया, ठीक है। उसमें हमने सिर्फ 2 ओपनिंग रखी है जो कि उसी में बिल्कुल सेट होकर के आ रहा है, यानी कि बाहर की कोई चीज़ें अंदर, अंदर से बाहर जाने का बिल्कुल भी यहाँ पर लीकेज नहीं रहेगा। इसमें हमने एक पाइप लगा दी है जिसको हम बोलते हैं फनल, और दूसरा पाइप इसमें से हमने ले लिया जिसको हम बोलेंगे डिलीवरी ट्यूब, ठीक है। तो ये हमने 2, ये बेंड ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब हमने यहाँ से लगा करके कांच का ट्यूब और यहाँ तक लगा लिया, ओके। और एक हमने ये ले लिया फनल, जिससे कि हम कोई चीज़ मटेरियल इसके अंदर डाल सके। ये 2 यहाँ पर सेट है और बाकी क्या है, ये पूरा एकदम सील है, ठीक है ना, इसको बंद कर दिया गया है। अब हमने इससे में, इस जो बड़ा वाला हमारा टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में बच्चों हमने क्या ले लिया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने फ्रूट जूस ले लिया है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसके बाद देखिए ये जो हमारा डिलीवरी ट्यूब है, इस डिलीवरी ट्यूब को हमने क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब है हमारा, उस टेस्ट ट्यूब में हमने CaOH का होल्ड ट्वाइस, यानी कि हमने इसमें चूना पानी ले लिया है, ठीक है ना, चूने का लाइम वाटर,
तो इसमें हमने फ्रेशली बना हुआ लाइम वाटर यहाँ पर ले रखा है और ये पूरा इसको भी इसके सामने साथ हमने अटैच कर दिया। ये हमारा सेटअप तैयार हो गया। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करने के लिए बच्चों हमने क्या किया कि ये जो बड़ा टेस्ट ट्यूब है हमारा, इसमें हमने ले लिया है फ्रूट जूस। ठीक है, इसमें फ्रूट जूस ही हमने क्यों लिया, क्योंकि फ्रूट जूस मीठा होगा और उसके अंदर क्या पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है ना कि कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन के एब्सेंस में तोड़ेंगे तो CO2 निकलेगा और ये काम यीस्ट सेल कर रहा है। ठीक है, इस बात को हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने ले लिया इसमें फ्रूट जूस। ठीक है, उस फ्रूट जूस में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। ठीक है, उसके बाद हमने इस फनल के हेल्प से हमने इसमें थोड़े से यीस्ट सेल्स डाल दिए। ओके, अब इसके अंदर इस चैम्बर में देखिए, इसको हमने सील कर दिया है, मतलब इसमें जितनी ये गैसेस हैं यहाँ पर, जो खाली प्लेसेस हैं यहाँ पर, जो हमने जब भरा होगा तो थोड़ी बहुत तो गैसें यहाँ पर रह गई होंगी। जो गैसें यहाँ पर हैं उन गैसों को यूज़ करने के बाद अब यहाँ पर कोई भी इन्वायरमेंटल गैस अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि ये क्या है, एकदम सील है। ठीक है ना, इसको एकदम क्लोज कर रखा गया है, बंद कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर अंदर अब CO2 ऑक्सीजन मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। जितना है उतना तो आपने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन आगे का प्रोसेस कैसे करेंगे, तो आगे के प्रोसेस के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपने इसमें यीस्ट सेल्स डाल रखा है और इसमें फ्रूट जूस ले लिया है। ठीक है, अब यीस्ट सेल्स जो होते हैं ये क्या करेंगे, अपने भोजन के लिए ये इस ग्लूकोज को, जो फ्रूट जूस में जो ग्लूकोज होगा उसको वो तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको तोड़ना शुरू करेंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे। फ्रूट जूस में कार्बोहाइड्रेट है, उसको यीस्ट सेल्स तोड़ेंगे। ठीक है, और तोड़ने के लिए जब इनके पास ऑक्सीजन था तो उन्होंने ऑक्सीजन की हेल्प लेकर के तोड़ा, लेकिन जब इसमें का ऑक्सीजन खत्म हो गया, अब इसमें ऑक्सीजन है नहीं, बाहर से आ नहीं सकता, तो विदाउट ऑक्सीजन ये क्या करेंगे, अब इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है फ्रूट जूस में, उसको ऑक्सीजन के बिना यीस्ट सेल तोड़ना शुरू करेंगे। और जब ये काम यहाँ पे करेंगे, इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्मेंटेशन, कि ये यीस्ट सेल्स क्या कर रहे हैं, फर्मेंटेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस यहाँ पे होता रहेगा और होते होते फिर हम देखेंगे कि जब यहाँ पर फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो आपको अपने आप बाहर में पता पड़ जाएगा, है ना। आप यीस्ट सेल को दिख नहीं रहा है कि वहाँ पर फर्मेंटेशन हो रहा है, बावजूद इसके आपको पता पड़ जाएगा कि फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है। कैसे पता पड़ेगा, क्योंकि जब ये प्रोसेस यहाँ पर फर्मेंटेशन होगा तो CO2 गैस निकलेगी और उस गैस को निकलने के लिए हमने एक पाइप लगा रखा है। ठीक है ना, इसको हमने बिल्कुल ओपन किया है कि यदि कोई गैस यहां पर बनती है तो वो गैस यहां से होते हुए आगे आएगी। ठीक है, तो अब यहां पर हम थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि यहां से गैस भी आ रही है, वो भी हमको दिख नहीं रही है, इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रही है वो गैस, लेकिन हमको जो चीज दिखेगा वो क्या है, ये लाइम वाटर। ये लाइम वाटर तो हमको दिख रहा है, पानी जैसा ये है, और हम क्या देखेंगे कि धीरे धीरे सडनली ये क्या होगा, मतलब अचानक से, पहले तो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, फिर अचानक से हमने देखा कि ये पूरा लाइम वाटर जो है ये क्या हो गया, ये टर्न मिल्क है ना, बिल्कुल एकदम दूध जैसा हो गया। तो ये दूध जैसा कैसे हुआ, अगर सिर्फ ये पाइप जुड़ा ही है, इस पाइप के थ्रू यदि यहां से कुछ नहीं आया तो ये मिल्की कैसे हुआ। ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि यदि ये जो हमारा जो लाइम वाटर होता है, ये लाइम वाटर जब CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो CaCO3 सॉलिड बनता है, ये इनसॉल्युबल मिल्की प्रेसिपिटेट बनाता है, और जिसकी वजह से इस रिएक्शन की वजह से, ये जो हमारा रिएक्शन है, इस रिएक्शन की वजह से ये हो गया हमारा लाइम वाटर, और इसमें जब CO2 जाएगा तो ये क्या हो जाता है, CaCO3 का प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि मिल्की होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है ये टर्न मिल्की, मतलब एकदम मिल्की में टर्न हो जाएगा, बिल्कुल दूध जैसा ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप शुरू करिए कि ये मिल्की क्यों हुआ, तो हमको क्या आंसर मिला, क्योंकि CO2 आकर के इसके साथ रिएक्शन किया होगा, क्योंकि हमको रिएक्शन पता है, CO2 आकर के इसके साथ रिएक्शन किया होगा तो ये मिल्की हो गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन कि CO2 कहां से आया, तो CO2 कहां से आया होगा, ये यीस्ट सेल जो है इन कार्बोहाइड्रेट को इन्होंने ब्रेक किया होगा और उसी रिएक्शन के थ्रू CO2 निकला होगा, क्योंकि हमने जब सेटअप किया था और जब तक हमने यीस्ट सेल नहीं डाला था तब तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जब हमने फनल से यीस्ट सेल डाला और थोड़ी देर के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई, फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू हुआ और CO2 ना शुरू हुआ और ये मिल्की हो गया। ठीक है, तो यहां पर इस प्रोसेस में प्रूफ होता है कि जो यीस्ट सेल्स होते हैं वो फ्रूट जूस के कार्बोहाइड्रेट को बिना ऑक्सीजन के तोड़ते हैं, जिस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट को वो फर्मेंट करते हैं और उससे CO2 प्रोड्यूस होता है। अब ये प्रोसेस जो यहां पर हुआ, ये हुआ क्या, वो रिएक्शन यहां पर लिखा गया है बच्चों। देखिए, ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, अब यहां पर ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, तो यीस्ट सेल ने फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया और इस ग्लूकोज को क्या किया, जो इसमें
ग्लूकोज था, ग्लूकोज किस में था, इस जूस के अंदर था। इस ग्लूकोज को उन्होंने तोड़ दिया किस में, एथिल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यीस्ट सेल इस्तेमाल करते हैं खुद को सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये CO2 रिलीज हो रहा है, ये CO2 ही इस टेस्ट ट्यूब में खाली जगह में ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से इसको कहीं जगह नहीं मिलेगा। तो ये टेस्ट ट्यूब में ओपनिंग दिख रही है, यहाँ से होते हुए CO2 यहाँ से आएगा और इसके अंदर प्रवेश करेगा और ये मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो इसका मिल्की होना इस बात का प्रूफ है कि यहाँ पर गैस CO2 गैस यहाँ पर आया। ठीक है, और CO2 गैस के यहाँ पर आने का मतलब है कि यहाँ कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ। ठीक है, और जो भी रिएक्शन हुआ उसमें CO2 गैस निकला। ठीक है, तो वो प्रोसेस कौन सा है, वो ये प्रोसेस है। ठीक है, इस बात से ये प्रूफ हो जाता है कि कार्बोहाइड्रेट को यीस्ट सेल तोड़ते हैं और CO2 इसमें रिलीज होता है। ठीक है बच्चों, ये प्रोसेस हमारा हो गया, ये फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन आपने सब्जेक्ट में पढ़ रखा है, पीछे जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपने देखा हुआ था कि बहुत सारी जगह पे हम फर्मेंटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। विनेगर बनाने में सिरका बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यीस्ट सेल डाल देते हैं और उसको ढक देते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो धीरे 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 एथिल अल्कोहल एल्कोहल है ना, एल्कोहल में कन्वर्ट होने लगता है। जितना भी वाइन होता है ना, तमाम प्रकार के जो शराब होते हैं, शराब यानी कि एल्कोहल, इस एल्कोहल को बनाने का प्रोसेस भी हमारा यही होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस बनाते हैं। इडली ढोसा कोई भी चीज बनाने से पहले उसको सूजी को भिगो दी करके छोड़ दिया जाता है, वो फूल जाता है, ये भी प्रोसेस क्या है, फर्मेंटेशन प्रोसेस है। उसके अलावा ब्रेड जो बनता है, आप ब्रेड के ऊपर देखते हैं वो एकदम फ्लफी ऐसा हल्का हो जाता है ना, ऐसा लगता है उसके अंदर गैसेज हैं, ऊपर से फटाफटा सा दिखता है। ठीक है, वो भी प्रोसेस कौन सा है, फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो इस फर्मेंटेशन प्रोसेस को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, खाने पीने की चीजों को बनाने में भी, अन्य चीजों को बनाने में भी फर्मेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है जिसमें कि CO2 लिबरेट होता है, यही हमको प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया। और ये काम कैसे हुआ उसका ये रहा एक्सप्लेनेशन कि कैसे कैसे और क्या क्या हुआ होगा। ठीक है ना, उस चीज में आपको जितना आपने पीछे चैप्टर में पढ़ रखा है उसी चीज को यहां पर समझा देना है, ये हो जाएगा हमारा एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके से बच्चों हमारा 6.5 एक्टिविटी यही है। ठीक है, खत्म हो गया। अब आप इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर एम दे रखा है, ठीक है, मटेरियल रिक्वायरमेंट सारे मटेरियल लिखिए। ठीक है, कि एक स्टैंड चाहिए हमको, एक ये बड़ा टेस्ट ट्यूब चाहिए, एक छोटा टेस्ट ट्यूब चाहिए हमको, लाइम वाटर चाहिए, फ्रूट जूस चाहिए, यीस्ट सेल्स चाहिए, एक फनल चाहिए, डिलीवरी ट्यूब चाहिए। ठीक है, जो जो सामान चाहिए आपको वो सारा सामान आप लिख दीजिए। ठीक है ना, मटेरियल रिक्वायरमेंट हो गया। प्रोसीजर जो आपने काम ये किया यहाँ पर उसी को 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप में लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमने इसको इसके साथ सेट किया पहला स्टेप, उसके बाद इसमें फनल सेट किया और यहाँ से डिलीवरी ट्यूब हमने सेट किया, ये हमारा सेकंड स्टेप। ठीक है ना, इसके साथ ये हमने सेट कर दिया, अब हमने इसमें जूस डाला और फिर इसमें ये डाला। जैसे जैसे आप करते जा रहे हैं ना उसको स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में हम यूज करके प्रोसीजर कर देंगे। ऑब्जर्वेशन आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, आपने देखा कि लाइम वाटर जो है ये मिल्की हो गया। ठीक है ना, ये आपका ऑब्जर्वेशन था। अब ये क्यों हुआ इस चीज को अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि हुआ ऐसा हुआ होगा। ठीक है, अंदर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये मिल्की हुआ है। ठीक है, इस तरीके से पांचों हेडिंग हमारे कवर हो जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट 6.6 की एक्टिविटी में। ओके, तब तक स्टडी करते रहिए, हैव अ नाइस डे।